हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज रिंग नमकीन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये नमकीन साउथ की डिश है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आप एक बार बना के स्टोर करके महीना दिन तक खा सकती हैं। चाय के साथ या कोई किटी पार्टी हो, कभी भी आप इसे बनाइए और टेस्ट कीजिए। तो हम एक रिंग को तोड़ के आपको दिखाएंगे। आप ध्यान से देखिए कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। तो इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। तो चलिए हम रिंग नमकीन बनाना शुरू करते हैं। रिंग नमकीन बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है चावल का आटा। चावल का आटा हम एक कटोरी लिए हैं। मूंग दाल जिसे हमें 6 घंटा भिगो लिया है, ये 2 चम्मच मूंग दाल फूल के 4 चम्मच हो गया है। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ब्लैक तिल, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं, और कुकिंग ऑयल। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हम एक पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और पानी को हम उबलने देंगे। जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम आटा को तैयार करेंगे। तो हम एक बाउल में चावल का आटा निकाल लेंगे और उसमें हम लाल मिर्च डालेंगे, काला तिल डालेंगे, आप सफेद तिल भी डाल सकती हैं, लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग दिखता है तो अच्छा लगता है। हम अजवाइन को ऐसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इससे अजवाइन का टेस्ट आता है। हम इसमें जीरा डालेंगे और साथ में हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी की तरफ चलेंगे। तो पानी में हम ये अपना मूंग दाल डाल देंगे और इसे एक उबाल आने तक हम इसे उबालेंगे, जिससे ये थोड़ा सा पक जाए। अब हम इसे थोड़ा सा चला देंगे और 1 मिनट तक इसे उबलने देंगे। दाल अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें चावल के आटा के साथ जो सामग्री मिक्स किए थे उसे डाल देंगे। तो ऐसे हम सारे आटा को इसे डाल देंगे और इसे चम्मच से हम ऐसे चला लेंगे। अब हम इसे ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। पानी अपना सूख गया है, हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और 1/2 मिनट तक और इसे मस लेंगे ऐसे। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे तब तक ठंडा करेंगे जब तक हाथ सहने लायक ना हो जाए। 20 मिनट बाद हम देखेंगे हाथ सहने लायक अपना आटा जो है तैयार हो गया है। तो अब हम एक ट्रे में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। ये आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम सारे लोड को ट्रे में ले लिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे और इसे अच्छे से इस हथेली से मसलेंगे। तो हम इसे ऐसे अच्छे से मसल मसल के एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। तो अब देखिए, हमने 1 ग्लास पानी लिया था 1 कटोरी आटा के लिए, तो एकदम परफेक्ट अपना आटा गूंद रहा है। तो हम इसे 2 मिनट तक मसले हैं, तो एक बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। तो अब हम तेल में ऐसे लेके और हथेली को ग्रीस करेंगे और छोटा सा ऐसे लोई लेंगे और इसको हम लंबा सा ऐसे रोल बनाएंगे और फिर दोनों के मुंह को ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा रिंग नमकीन तैयार है फ्राई करने के लिए। आप कोई भी शेप में इसे बना सकती हैं, हम तो इसे रिंग शेप में ही बना रहे हैं। तो फिर दिखा रहे हैं, ऐसे लंबा करके और ये दोनों मुंह को ऐसे 2 चुटकी से दबा देना है।
तो ये रिंग बनकर तैयार हो गया। अब हम ऐसे ही सारे आटे से रिंग बना लेंगे। सारे रिंग्स को हमने तैयार कर लिया है और हमने गैस पे तेल भी गर्म कर लिया है। अब हम रिंग्स को तेल में छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिंग डालेंगे। आप ध्यान से देखिए, तेल में बबल्स आ रहे हैं। तो अब हम सारे रिंग्स को छोड़ देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इसे हीट तेल में डालेंगे और एक मिनट तक फ्राई होने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, जिससे ये क्रिस्पी तैयार होगा। तो एक बार में कढ़ाई में जितना रिंग्स आए उतना आप डाल सकती हैं। अब हम इसे एक मिनट तक तेज फ्लेम पे पकाएंगे और बीच वाला हम चेक भी करते रहेंगे। तो ध्यान से देखिए कितना अच्छा रिंग अपना तैयार हुआ है। एक मिनट बाद हम इसे एक बार टर्न कर लेंगे और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगा और इसे हम दो मिनट तक फ्राई करेंगे। ध्यान से आप देखिए, अपने नमकीन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको छड़नी पे ऐसे इकट्ठा करके और थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अंदर चला जाएगा। और एक प्लेट पे हम किचन पेपर रखेंगे और उस पे इसको ऐसे निकाल लेंगे, तो जितना एक्स्ट्रा तेल है वो सब निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए कितना सुंदर नमकीन तैयार हुआ है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरा वेज भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसकी अच्छी खासियत है कि इसे आप महीना भर डब्बा में बंद करके रख सकती हैं। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद हम एयर कंटेनर में भर के रखेंगे। रिंग नमकीन बनकर तैयार है। इसे आप जरूर बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा। ये रिंग जो है, आप इसे एक महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं। ये साउथ का नमकीन डिश है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।